Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that defines. जगदलपुर से इस वक्त बड़ी खबर, माओवादी सेंट्रल कमेटी के सदस्य कोबार गांधी संगठन से बाहर। माओवादियों के सेंट्रल कमेटी ने सदस्यता निरस्त की है। पोलित ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी के सदस्य रह चुके हैं कोबार गांधी। 10 साल जेल में रहने के बाद 2019 को रिहा हुए थे। माओवादी संगठन के महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं गांधी। 2021 में प्रकाशित किताब में गलत व्याख्या पर नाराज हुए माओवादी, प्रारंभिक शिक्षा देहरादून, फिर लंदन में पढ़ाई पूरी की। सर्वोच्च पद पर रहे नक्सल नेता पर पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई। माओवाद लेनिनवाद को गलत तरीके से प्रभावित करने का आरोप लगाया। नरेश हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। नरेश, क्या बड़ी वजह दिखती है निरस्त करने की? देखिए, क्योंकि काफी लंबे समय से जेल में थे और इस दौरान उन्होंने पहले भी कई लेख लिखे जिससे माओवादी नाराज थे, और उसके बाद 2021 में जो उन्होंने अपनी किताब लिखी उस पर नक्सल संगठन ने नाराजगी जताई है, और ये पहली बार इस तरह का मामला है जब इतने शीर्ष नेता पर इस तरह की कार्रवाई की गई है। तो केंद्रीय कमेटी ने उन्हें पार्टी से न केवल बाहर निकाल दिया है बल्कि उनकी सदस्यता भी निरस्त कर दी है। और कोबार गांधी जाने माने चिंतक विचारक भी माने जाते हैं माओवादी संगठन के, जो भारत में जो प्रभाव है और उसके असर को लेकर, तो काफी महत्वपूर्ण एक तरह से ये घटनाक्रम माना जा सकता है, क्योंकि इससे ये भी तय होगा कि माओवादी संगठन में आने वाले समय में वैचारिक तौर पर कोई फ्रैक्शन या बंटवारा तो नहीं हो रहा है। तो उनकी किताब आने के बाद से इस ओर इशारा पहले ही होने लगा था, पर सदस्यता निरस्त करने के बाद माओवादी संगठन ने एक तरह से अपना दबाव और दबदबा बनाने की कोशिश की है कि जो नरेश, माओवादियों ने दबदबा बनाने की कोशिश तो की है, लेकिन सदस्यता निरस्त करने से उनको कोई नुकसान आगे चलकर नहीं होगा? नहीं, कोबार गांधी को तो कोई नुकसान नहीं होगा निश्चित तौर पे, क्योंकि जो उनका विरोध है या एक तरह से जो संगठन ने उनके विरोध को माना है वो केवल उनकी किताब में जो वैचारिक मतभेद है उसको लेकर माना है, और वैसे भी काफी उम्रदराज हो चुके हैं कोबार गांधी, तो इसलिए इस बात की उम्मीद नहीं की जा रही कि उनको किस तरह का नुकसान पहुंचाएंगे नक्सली। लेकिन सदस्यता निरस्त करने के साथ ये संकेत देने की कोशिश की है माओवादियों ने कि देश में वैचारिक संगठन से भटकाव को वे स्वीकार नहीं करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जानकारी के लिए।